नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। शुरू करते हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के सिलेबस रीजनिंग में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट पर आधारित जो समस्याएं होती हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या ज्ञात होना चाहिए, ए से जेड तक जो हमारे लेटर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, ये हमारे 26 लेटर होते हैं, जिसमें वाविल जो होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21, टोटल होते हैं 26। वाविल कौन से होते हैं, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है ना, आगे इसमें जो टाइप मिलेंगे ए ई आई ओ और यू, 5 ये वाबिल होते हैं। इसके अलावा जो नंबर हमारे अल्फाबेट बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जो पहले प्रकार का होता है, ये ध्यान दीजिएगा, टाइप 1, कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर होगा, अक्षर कौन होगा। देखो, हम शुरू करते हैं, जब ऐसे हम ये व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या हमारी जो एग्ज़ाम में नोटबुक होती है उसको जो हम देखते हैं फेस करके, तो जो हमारा ये बायां तरफ लेफ्ट साइड में बायां हो गया और ये राइट वाला दायां हो गया, तो इसी के रूप में हम इनको क्वेश्चन को कंसीडर भी करते हैं। जैसे बाएं से 17 बोला गया तो हम इस तरफ से बायां ये हमारा तो इधर से काउंट करेंगे, दायां से बोलेगा तो इधर से काउंट करेंगे। तो ये बोला गया है कि बाएं 17, तो 17 हमारा क्या होता है, क्यू, क्योंकि ये जोटी के हिसाब से बनाया गया था। पी 15 होता है, सॉरी ओ 15, ये 16, ये 17, और बाएं 5वां, देखिए जब इधर से हमने किया ये हम दाहिनी ओर जा रहे हैं, अब ये हमारा क्यू आ गया। अब यहाँ से बोला गया इससे बाएं, तो हम किधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तभी दाया होगा, इधर जाएंगे तो दाहिना हो जाएगा। तो इसमें हमें माइनस करना होता है 17 - 5, 17वें से बाएं 5वां पूछा गया, तो इसको माइनस किया तो क्या आ गया, 12वां अक्षर, और 12वां अक्षर हमारा क्या होता है, एल, 12वां हमारा क्या होता है, एल। तो ये इसका आंसर हो गया, चाहे आप अगर गिन लें, ये 17 आया तो हमारा ये, और बाएं 5वां तो 1, 2, 3, 4, 5 बायां ये हो गया। कहने का मतलब भाई, जब बाएं से आप बाएं जा रहे हो तो माइनस करोगे, बाएं से दाएं अगर जा रहे हो, अगर इसी क्वेश्चन में हम इस बाएं की जगह बाएं से दाएं 5वां बोल दें, तो अब क्या हो जाएगा आपका, 17 और प्लस 5 कर लो कितना आ गया, 22वां अक्षर। तो 22वां जोटी में टी हमारा 20 होता है, उसके आगे 2 गिन लें तो क्या आ जाएगा, वी। तो ये बाएं से दाएं अगर हम चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा वी हो जाएगा, बाएं से बाएं माइनस, बाएं से दाएं प्लस, एक चीज। अब अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए दूसरा, कि दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा, दाएं से बोल रहा है, यानी जब 16वां हम इधर आएंगे, दाएं से इधर आया ये हो गया, अब दाएं से इधर जब आ गए अब, और इसके बाद फिर बोला गया आपको दाएं से बाएं जाना है, तो जो 16 आएगा
वो हमारा कहाँ आ जाएगा, वो हो जाएगा ये, ठीक। अब ये आ गया हमारा यहाँ पर, दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो ये 16वां हो गया हमारा L, और इसके फिर हम बाएं जाएंगे तो क्या करेंगे, दाएं से 16वें अक्षर के बाएं, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो इसमें आप ये प्लस कर लेंगे, 16 6 कितना हो जाएगा, 22 भाई, ठीक है। दाएं से 16वां, और इसे बोला गया था बाएं से दाएं में प्लस करते हैं, बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 17वें अक्षर के दाएं, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं, तो ये तो प्लस किया गया था, इसमें बाएं और तुम इनको आप क्या करोगे, प्लस कर लोगे, 16 + 6 क्या हो जाएगा, 22। अब 22 हो गया, अगर इसको हम बाएं तरफ से गिनेंगे तो क्या करेंगे, इसको या तो 10 गिन लें, नहीं तो 27 - 22 कर लें तो क्या आ जाएगा, 5। तो आगे से जो 5 होता है हमारा क्या हो जाएगा, ई, अगर दाई ओर से ये काउंट करने को बोल देता है। ये प्लस क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर दाएं से बाएं था, दाएं से गिना फिर बाएं जा रहे हो तो प्लस हो जाता, जैसे यहाँ था क्या, बाएं से दाएं जा रहे हो तो प्लस किया गया था, बाएं से बाएं जाते हो तो माइनस किया जाता। अब इसी में अगर बोला जाए दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, ठीक। अब ये दोनों सेम वर्ड आ गए, तो सेम वाले में क्या करेंगे, माइनस करते हैं, क्यों, इधर आप आ रहे हो, दाएं से काउंट किया आपने 20वां, 20 आ गया आपका ये। अब यहां पर आने के बाद फिर आपको जाना है दाएं, तो दाएं फिर इधर हो गया कितना, 8। तो इसको को करना क्या है आपको, 20 - 8 = 12। अब दाएं से 12वां गिनो, या इसको आप क्या करो, 27 से माइनस कर दो, 27 - 12 तो क्या हो जाएगा, 15। और 15 हमारा जब हम सीधे पैटर्न से काउंट करना शुरू करते हैं तो 15 हमारा क्या होता है, ओ होता है। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। आपको क्या रखना है, बाएं से बाएं माइनस, बाएं से दाएं प्लस, दाएं से बाएं प्लस, दाएं से दाएं माइनस, बाएं सेम चीज़ है, बाएं से बाएं माइनस करना है, दाएं से दाएं माइनस करना है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं प्लस करना है। ये पहले टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। अब देखते हैं टाइप टू में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर ये बोल दिया जाता है वर्णमाला को, यानी यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे या विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, वर्णमाला को
विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए या लिखा जाए? तो उल्टे क्रम में लिखा जाए तो क्या शुरू करेंगे? जेड से। ठीक है, जैसे आपने ऐसे लिख लिया, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? ए। विपरीत क्रम में लिखने को कहा जाए, विपरीत क्रम में आपने लिख दिया। अब अगर बोला जाए कि बाएं से बारहवें अक्षर के दाएं, बाएं से बारहवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से दाएं, तो इसमें क्या आ गया? जैसे आपने यहाँ से गिना, ठीक, और फिर आप आगे जा रहे हो। क्यों आगे जा रहे हो? क्योंकि बाएं बारहवें से दाएं पांचवा, ये बताया गया जब दोनों विपरीत वर्ड हो जाते हैं बाएं दाएं को तो प्लस किया जाता है। तो बारह और पाँच कितना हो जाएगा? इनको जोड़ लीजिए, सत्रह। लेकिन इसको विपरीत क्रम में लिखा गया है तो इस सत्रह को आप सत्ताईस से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? दस। तो अल्फ़ाबेट जब हम ए से शुरू करते हैं तो हमारा दसवां लेटर क्या हो जाता है? जे। तो ये हो गया राइट आंसर। और अगर बोला जाए बाएं पंद्रहवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर, तो देखो ये बाएं के बाएं बोला गया तो ये क्या हो गया? पंद्रह माइनस सात बराबर आठवां अक्षर। और ये हो गया उल्टे क्रम में, जब सीधे क्रम में हमें पता करना है तो क्या आ जाएगा? सत्ताईस माइनस आठ बराबर उन्नीस। और उन्नीस हमारा कौन सा लेटर होता है सीधे क्रम में? टी के जस्ट पहले वाला, यानी यस। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया होगा, सीधे क्रम और उल्टे क्रम की बस बात है। बाएं से बाएं में माइनस, दाएं से दाएं में माइनस, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं में प्लस किया जाता है। और वो भी जब उल्टे क्रम की बात हो तो जो भी हमारा प्लस माइनस करने पर आया है या तो उसको हम उल्टे क्रम से काउंट करें या उसका अल्टरनेट ये होता है कि उसको जो भी नंबर आ रहा है 27 से माइनस कर दें और उस सीधे क्रम से हम उसको पता कर लें कि क्या होगा। अब जो टाइप होता है थर्ड, थर्ड टाइप में क्या रहता है? टाइप थर्ड जो होता है, टाइप थर्ड दूसरा तो टाइप वही हो गया कि उल्टे क्रम में अगर लिख दिया जाए उसको। तीसरा टाइप ये होता है कि पहले अर्धांश को, पहले अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए या विपरीत क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा बीच का जब उल्टे क्रम में होता है तो तेरह अक्षर इधर और तेरह अक्षर उस तरफ, तो जो ए से एम तक होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये इतना होता है पहला अर्धांश या पहला हाफ। इसके बाद वाला जो होता है एन ओ P Q R S T U V W X Y Z, ये हो गया दूसरा अर्धांश। तो बोला गया कि पहले अर्धांश को अगर उल्टे क्रम में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? M L K J I H G F E D C V A, इसको क्रम में लिख दिया और ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन पूछ दिया गया, मान लीजिए आपके बाएं से दसवें अक्षर के
दाएं, दूसरा अक्षर। देखो बाएं दसवें से दाएं दूसरा, तो बाएं ये हो गया, तो इसमें हमें प्लस करना होता, दस दो कितना आया 12। और बाएं से बात हो रहा तो 12वें स्थान पे अभी तो क्या था, उल्टा हो जाएगा, ये था L तो अब क्या हो गया B, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, B हो जाएगा। और अगर ऐसे पूछ दिया जाए बाएं से पंद्रहवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर, बाएं से बाएं सातवां, तो हम क्या करेंगे, सेम आ गया तो माइनस किया जाता, 15 - 7 = 8, तो अब आठवां यहाँ से हम गिन लें। वैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एफ आ गया, क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया, और जो इसका दूसरा टाइप होता है यानी टाइप जो 4 होगा उसमें कहा जाएगा कि दूसरा अर्धांश उल्टे क्रम में लिख लें, तो आप उसमें भी यही कर सक लोगे कि ये तो आप सीधा रखोगे, इतना यहाँ से यहाँ तक सीधा रखोगे, और बाद वाला जो पार्ट है उसको उल्टा लिखोगे, वो आपका टाइप 4 हो जाएगा। टाइप 4 में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, टाइप 4 इसमें बोला जाए दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, लिखा जाए। तो आपको देखिए इसका पैटर्न समझना है कि कैसे क्वेश्चन करना, तो जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये एक अर्धांश इतना ध्यान रखिएगा, एम तक होता है, ये तो ऐसे ही रखना है। इसके बाद यहाँ क्या आएगा, जो बच रहा है वो उल्टे क्रम में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जेड वाई एक्स डब्लू वी यू टी एस आर क्यू टी ओ एम सॉरी एन, ये हो गया दूसरा अर्धांश को उल्टा लिख दिया गया, ठीक है। अब बोल दिया जाए अगर दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 9वां या 13वां अक्षर कौन होगा, 13वां अक्षर दाएं के दाएं मतलब माइनस 21 - 13 = क्या हो गया 8, पीछे से 8वां गिन लें या 27 में 8 इसको माइनस कर लें 19वां आ जाएगा, तो इधर से 8वां अगर गिनेंगे 2 4 6 7 8 ये आ गया आपका, तो 8वां दाएं से ये हो गया आपका 8वां उत्तर आ जाएगा। अगर बोला जाए दाएं से 20वें अक्षर के बाएं नहीं हाँ बाएं चौथा अक्षर, देखिए दाएं बाएं हो गया तो क्या करोगे प्लस, तो ये आगे जो नंबर आ रहा हमारा 13 से बड़ा हो जाएगा, इनका सम कितना हो जाएगा 20 - 4 = 24, ठीक। तो 24 समय अब उल्टे क्रम से लिखना है तो बस माइनस कर दो, 27 - 24 = क्या आ जाएगा 3, जब ये योग या अंतर 13 से बड़ा हो तो आप पुराना पैटर्न लगा दीजिए, 27 - 24 = 3, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा आपका, और अगर उधर से गिनोगे तो 24 - 25 - 26 देखो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये था टाइप 4 आपका। इसके बाद जो बचता है टाइप 5, टाइप 5 में ये आता है कि अल्फाबेट को अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग
व्यवस्थित किया जाए तो पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। जैसे कि जो अल्फा जो शब्द दिए होते हैं वो डिक्शनरी के हिसाब से कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। जैसे कोई चार वर्ड दे दिए गए, जैसे नंबर एक रिमेम्बर, नंबर दो रिपोल, नंबर तीन रिकॉस्ट और नंबर चार रिपेयर। ऐसे करके चार वर्ड दे दिए गए और इसमें पूछा जाएगा कि जो अल्फाबेट की हमारी जो डिक्शनरी होती है उसके अकॉर्डिंग इनको या तो क्रम से व्यवस्थित करो, या सबसे पहले कौन आएगा या सबसे बाद कौन आएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि सारे जितने वर्ड हैं इसमें आर ई सब में है। तो आर ई के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या, हमारा एम, यहाँ पर पी, यहाँ पर सी और यहाँ पर पी। तो अल्फाबेट हमारा सबसे पहले क्या आता है, सी। तो जो तीसरा नंबर आ गया ये सबसे पहले आएगा, ठीक। अब अगर दूसरे नंबर पर कौन आएगा, ये हो जाएगा हमारा पहले नंबर पर। और इसके बाद ये दोनों पी वाले हैं तो इन पी से पहले हमारा एम आ जाता है तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर। अब दो बचे हैं पी वाले तो ये आर ई पी तो दोनों में सेम है। यहाँ पर लिखा है आर ई पी के बाद ओ और यहाँ लिखा ए तो डिक्शनरी में हमारा ए पहले आ जाएगा तो ये आ जाएगा तीन नंबर पर और ये आ जाएगा चार नंबर पर। इनको अगर ऑर्डर में लिखना है तो ये पहले आएगा, फिर पहले रिकॉस्ट आएगा, फिर रिमेम्बर आएगा, इसके बाद रिपेयर आएगा और उसके बाद रिपोल आ जाएगा। और अगर ये पूछा गया सबसे पहले कौन आएगा तो आपको पता चल गया सिर्फ यही निकालना है। ये हो गया पांचवा टाइप का। जो सिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें ये रहता है कि किसमें से कितने वर्ड ऐसे आपके बन सकते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा, जैसे फर्स्ट लिखा है कोई वर्ड और इसमें ये बोला जाएगा कि इसमें ऐसे कितने लेटर हैं जिनमें उतना ही गैप है जितना कि अल्फाबेट के हिसाब से होता है। जैसे कि ये एफ है पहला, ये आई, तो यब के बाद आई तो नहीं आता है तो ये तो आप कैंसिल कर दो। आई के बाद आर आता है क्या, नहीं आता है। आर के बाद यस तो एक ये आपका पेयर हो गया, यस के बाद टी एक ये पेयर हो गया और आर टी के बीच में यस होता है तो एक ये पेयर हो गया। तो ऐसे तीन लेटर हैं जो उस क्रम में व्यवस्थित हैं जिस क्रम में हमारे अल्फाबेट में व्यवस्थित होते हैं। तो इसका जो ये आज का टॉपिक था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट या अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न, तो उसके बारे में इतना ही। इसका एक या दो क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आना है, एक बार देखें। छोटा टॉपिक होता है, आसानी से तैयार हो सकता है। जितने टाइप के क्वेश्चन बताए गए हैं इन्हीं में से कोई आपके एग्जाम में आना